की परफॉर्मेंस कहाँ से अच्छी है, वो तो अपने घरों में बैठे हैं, सफाई देख रहे हैं, सफाइयाँ नहीं होती इलाकों में, काम नहीं होते क्या है ना, वो बहुत अच्छा था। अभी ये जो आए हैं ना, उनको हुकूमत चलाना नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूँ अब्दुल कादर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंध में जो सिंध की जो हुक्मरान जमात है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की अच्छी कारकर्दगी की वजह से सिर्फ और सिर्फ वोट मिलते हैं। तो आज लोगों से पूछते हैं, वाकई में ऐसा है कि सिंध में जो है वो अच्छी कारकर्दगी की वजह से ही लोगों को जो है वो वोट देते हैं और पीपल्स पार्टी को हमेशा ही जो है तीसरा टेन्योर है सिंध में, तो उसी वजह से वोट की वजह से लाया जाता है। और दूसरी जानब कल आसिफ जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कहा कि सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो इत्मीनान बख्श है, जिसके बाद जो है वोट भी मिलता है और लोग जो है वो पीपल्स पार्टी को पसंद भी करते हैं। तो आइए कराची की शहरियों से जानते हैं कि वाकई में ऐसा है कि नहीं। क्या कहेंगे, सिंध में पीपल्स पार्टी की तीसरी हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी कह रही कि अगर हमें वोट मिलता है तो सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस की वजह से, तो वाकई में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 100 में से 5% ही लूँगा। अच्छा। क्योंकि सिंध का जो हाल है ना, वो आप देखेंगे ना कोई गली ना कोई रास्ता है, पानी नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी इन्होंने नहीं किया। भुट्टो के नाम पे वोट लेते तो हैं, लेकिन भुट्टो तो चला गया ना, ऐसा तो नहीं कोई भी आगे बैठ गया तो भाई वो भुट्टो बन जाएगा। हम 1% ही मुतमिन नहीं, बाकी ये वोट ये लेते हैं क्या, सेटिंग करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो वोट नहीं देते उनके भी नाम आ जाए भाई आपने वोट दे दिया, ये हम तो मुतमिन नहीं है पीपल्स पार्टी कुछ। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा तीसरा टेन्योर है, ज़ाहिर हमें वोट भी मिलता है, तो ये लोग वोट भी देते हैं ना, अगर तीसरा अगर मुतमिन नहीं है तो लोग भी वोट दे के तीसरी बार वापस हुकूमत में लाते भी हैं, अगली हुकूमत भी वो करेंगे अब हमारी ही आएगी। आनी तो नहीं चाहिए, आवाम जो गरीब आवाम वो तो मुतमिन पीपल्स पार्टी नहीं है। अभी तो देखा जाए तो कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं जिसमें गरीब को कोई फ़ायदा हो, और ना होगा, कभी भी नहीं होगा। ये अपने पेट भरने के पीछे बस, कुछ भी नहीं, आवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता। अगर गवर्नमेंट आई भी सही फिर भी कुछ नहीं कर, जो बंदा 14 साल 15 साल से कुछ नहीं कर रहा तो वो आगे क्या करेगा। लोग यार सिंध में सिंधियों का कोई वो नहीं है, समझे, कोई अहमियत ही नहीं है ना, कोई दे रहा है, पीपल्स पार्टी हो या नवाज शरीफ हो या इमरान साहब हो, कोई गरीब का कोई नहीं है। हर जो भी आता है अपने पेट भर के भाग जाते हैं, फिर बोलता है उसने गंद किया, फिर बोलते वो ने गंद किया, कोई अच्छी किरदार किसी का भी नहीं नज़र आ रहा है, समझे। ऐसे सोचो तो पाकिस्तान बिक चुका है हमारा, समझे, हमारा पाकिस्तान हमारे ऐसे डाकुओं के हाथ में चढ़े हुए हैं ना, क्या बोलूँ यार, क्या किसको बोलूँ, बुरा अच्छा बोलूँ। सरदारी साहब ने कल प्रेस कही के कहा कि भाई सिंध में अगर परफॉर्मेंस है तभी तो वोट दे के हमें वापस लाया जाता है। वोट नहीं है, वोट होता ना, हकीकत वोट होता ना, ये नहीं आते डबल, समझिए। मैं खुद सिंधी हूँ, मैं मजदूर हूँ, अपना मेहनत करता हूँ, रक्षा पाँव से मजदूर हूँ, मजदूर का भी हक खा जाते हैं दूसरों पे, मजदूरों का कोटा आता है ना, ऐलान तो किया अभी मुरादली शाह ने, मगर मजदूरों को घुसने भी नहीं देते हैं, ऐसे खाली ऐलान करके चलो भाई, समझिए, बड़ा आपको बड़ा बढ़ा दिया, मजदूरों को सल्यूट तो ही नहीं कर रहे, भीख मांगने भी नहीं देते मजदूरों को, भाई इसको जेल में डालो, चलो भाई जेल में डाल गया कहाँ जाएँ, कोई ऐसे इदारा बनाओ मजदूरों के लिए, मजदूरों कोटा के लिए, मजदूरों को घर बैठे के क्यों भीख मांगेंगे, बाहर मुल्क जाओ, कोई मजदूर भीख मांगता है, कोई गरीब मांगता है, ये क्यों ये खुद वडेरे के निज़ाम में चल रहे हैं, ये खुद वो है, सिंध में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, ना पंजाब है ना सिंध है, पूरा पाकिस्तान बिका हुआ है, समझे, जो कुछ बक्का शिका रह रहा था वो इमरान साहब ने ख़त्म किया, अभी ये आया तो ये बोल रहा है भाई इमरान साहब ने गंद किया है, हमने साफ करना है, कुछ भी नहीं है, बिका हुआ है हमारा पाकिस्तान। तो क्या समझते हैं वाकई में जो परफॉर्मेंस अच्छी है कि सिंध में काम तो कोई करते नहीं है पीपल्स पार्टी? अच्छा। हाँ, वो उन्होंने गवर्नमेंट तो बना ली है नून लीग वालों के साथ मिलके, लेकिन गरीब लोगों के लिए कुछ करते नहीं है, अपनी अपनी शेख अपनी देख, ना कोई किसी को पैसा देते हैं, ना कोई नौकरियां दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए ना। कहाँ से सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कहाँ से अच्छी है, वो तो अपने घरों में बैठे हैं, सफाई देख रहे हैं, सफाइयाँ नहीं होती इलाकों में, काम नहीं होते, थानों में जाओ तो पुलिस नहीं सुनती, जो बंदा जाता है वो उल्टा उसी पे बोलते हैं तुम जाओ, तुम्हारी हम नहीं सुनते हैं, तो परफॉर्मेंस कहाँ से है? कभी वो इलाके में आए हैं मिनिस्टर के घरों में, पूछा है किसी से कि आप लोग क्या कर रहे हो, कोई तुम्हारे को परेशानी है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, इलाके में सफाई हो रही है नहीं हो रही है, ये उनका काम है ना मिनिस्टरों का, जो पीपल्स पार्टी के हैं बिलावल है उसका काम है ना, इलाकों में आए घरों में
जलसे करें, पूछें लोगों से, वो पूछते नहीं हैं जाके इलाकों में क्या हो रहा है। अभी बेनज़ीर इस सपोर्ट प्रोग्राम है, सब अब उन्होंने अपने चहीतों को जियालों को दिए हुए, वो उनको पैसा मिल रहा है, जो दूसरा बंदा जाता है उनको पैसा कुछ भी नहीं मिलता, उनको फॉर्म ही नहीं मिलते। हमारे इलाके में दफ्तर खुले में जाओ, अपने अपनों को नवाजते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं देते। आप तो कह रहे हैं लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी तो है, तभी तो लोग वोट दे रहे हैं। जब भी होती है ना कि एक आदमी को वोट दे दिया मिनिस्टर को, तो वो तो अच्छी हो गई परफॉर्मेंस, लेकिन वो इलाके में तो नहीं आया ना, उसने कोई काम तो नहीं करा, तो परफॉर्मेंस तो 0/0 हो गई। हाँ, पीपल्स पार्टी कह रही है हम तो अच्छे हैं, लेकिन अच्छा करके भी तो दिखाओ ना, अच्छा लोगों को नौकरियाँ दो, लोगों के हालात सही करो। अब इमरान खान था, उसने कुछ तो बेहतर करा ना काम, कि उसने ये करा कि लोगों को पहले कर्ज़ा ही नहीं मिलता था, बैंकों में जाते थे, अभी लोगों को कर्ज़े मिल रहे हैं, बैंकों में जा रहे हैं, बैंकों का हिसाब किताब है, पहले लोगों को घरों से लोन नहीं मिलता था, अब कागजात जमा करा रहे हैं, लोगों को लोन मिल रहा है। इस किस्म के काम करें ताकि पीपल्स पार्टी को जो है कोई अच्छा बेनिफिट मिले, आइंदा मुस्तकबिल में वोट मिले। इमरान खान भी बहुत बेकार आदमी है, किसी आपकी राय है लेकिन ये राय नहीं है, राय है तो मेरी बात सुनो। अगर वो कहता है कि नवाज शरीफ अगर महंगाई छोड़ के गया था, मुश्किलात छोड़ के गया था, तो ये क्या छोड़ के गया है? ये भी मुश्किलात ही छोड़ के गया है, ये क्या छोड़ के गया है? ये भी मुश्किलात ही छोड़ के गया, IMF से मुआवजा करके चला गया। अब IMF क्या अगर मौजूदा हुकूमत उनका कहना ना माने तो उनको कुछ मिलता नहीं है। अब तो वही मान लो और कर लो, मान लो और कर लो। इसलिए भाई को ऐसा रास्ता बनाओ जिसमें आवाम पे महंगाई कम हो। हम तो आवाम के साथ हैं, जब आवाम पे महंगाई कम होगी तो हम समझेंगे वो हुकूमत बेहतर है। फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। हाँ, सिंध हुकूमत बेहतर है भाई, अलबत्ता तो देखा जाए तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी है, कुछ भी है। अलबत्ता इमरान खान से बहुत अच्छे हैं नून लीग वाले, पीपी वाले, अच्छा ये बात मानने वाली है। इस बार ये सिंध हुकूमत अच्छी है, अच्छी है, अच्छी। अच्छा, क्या परफॉर्मेंस आपको लगता है कि सिंध हुकूमत ने क्या काम करा है? इंशाल्लाह बहुत कुछ करेगी, उसको उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह, उम्मीद है हमारे को, हम उसके ऊपर यकीन रखते हैं। आप समझते हैं आगे आने वाली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी है? इंशाल्लाह होगी। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी है, सुठी है, अच्छी है। क्या समझते हैं कि सिंध में जो तीसरा टेन्योर मिल रहा है ज़रदारी साहब करें, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है जिसके बाद जो है हमें वोट? भाई ये है कि पीपल्स पार्टी वाले फिर भी गरीबों का जो है कुछ ना कुछ तामन करते हैं, मगर ये दूसरी हुकूमत जो है ना वो तो जीना हराम किया उन्होंने। क्या समझते हैं कि सिंध में जो वोट बनता है वो परफॉर्मेंस की बुनियाद जी? पीपल्स पार्टी की हुकूमत सही है? सही है, हाँ, जो भाई सस्ताई करेगा वो सही है हमारे लिए। अभी महंगाई का ज़माना बढ़ गया है, महंगाई बहुत है, महंगाई ने तो इतनी हमारी कमर तो तोड़ के रख दी है। मेरा भाई आगे से कारोबार भी नहीं है, क्या करें हम, गरीब आदमी है, बाल बच्चों ने ये इधर से सुबह से चिया लगाया हुआ है, शाम को 10 बजे तक यही खर्चा पानी भी मुश्किल से निकल रहा है, क्या कर सकते हैं हम। ऊपर से इतनी महंगाई है, क्या करें हम, परेशान हैं, वहाँ से परेशान हैं, वहाँ से परेशान हैं। हुक्मरान कोई भी हो मगर सस्ता ही हो जाए, बस हमारे लिए यही बहुत है। सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी है आप समझते हैं? देखिए बात ज़रा लंबी हो जाएगी। क्यों लंबी हो जाएगी? मैंने बनते हुए देखा पाकिस्तान को, सही है। और इसके लिए नारे लगाए मैंने, सही। मैं 35 का हूँ, तो ये अल्लाह ताला का इनाम है जो ये मुल्क हमें मिला है, लेकिन हम नाशुक्र हैं, हमें इसकी कदर। मैं कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, गलत बयानी, सही कर रहा हूँ। मैं दिल की आवाज़ में बतला रहा हूँ, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमारी आर्मी को सलामत रखे, और अल्लाह ताला हमारे जितने भी सियासतदान हैं अल्लाह ताला उनको इतनी कुवत और इतना हौसला दे के मुल्क और कौम की खिदमत करें। क्योंकि देखें मैं गरीब आदमी, मुँह से कोई गलत अल्फाज निकले तो कहें भाई कौन था इसको, लाओ पकड़ के लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर जाओ। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत सिंध की जो परफॉर्मेंस है 3 टेन्योर की अच्छी है? देखो हम कुछ भी नहीं कह सकते, देख सब कुछ रहे हैं, हम सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको सबको, हमें भी, इनको भी नेक हिदायत दे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे। भाई ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला, किसी ने हमें ऐसे थाल में रख के नहीं दिया था। सही है। कहते हैं पहले महंगाई थी, अब हम सस्ता कर देंगे, अब ये कहेंगे ये तो वो करके गया, हमने महंगाई थोड़ी की है, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी। इमरान खान गया है ना, वो बहुत अच्छा था, अभी ये जो आया है ना इनको हुकूमत चलाना नहीं आती है, ये ऐसे ही है, पहले भी मुल्क को तबाह कर चुके हैं, और अभी जो अभी भी आए हैं ना ये अभी भी कुछ नहीं करेंगे, उनको चाहिए कि ये है ना रिज़ाइन दे के चले जाएं अपने। अच्छा, क्या समझते हैं सिंध हुकूमत अच्छी है? सिंध हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग हैं कुछ
जो सही काम नहीं करते मुल्क को ख़राब कर दिया है। वो कोई अच्छा लीडर नहीं है इधर। इमरान खान जैसा अच्छा लीडर अभी तक आया नहीं है, उसको आना चाहिए। जनाब ने आपने दोनों तरफ जो लोगों की राय सुनी, दोनों मिली जुली जो राय थी, एक पीपल्स पार्टी के हक़ में लोग थे और कुछ जो है मुखालफत में भी थे, उनका कहना था कि मज़ीद जो है बेहतरी लानी चाहिए, सुन्नुकमत को चाहिए, अभी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन जो उनके जो हिमायती थे उनकी उनका भी ये कहना था कि महंगाई बहुत है, महंगाई भी कंट्रोल करना चाहिए और लोगों को जो है वो महंगाई अगर कंट्रोल करेंगे तो लोग पीपल्स पार्टी को भी अच्छा करेंगे, चाहे कोई भी हुकूमत होगी तो उसको अच्छा करेंगे, जो काम करेगी परफॉर्मेंस करेगी उसको अच्छा कहेंगे। लेकिन इस वक्त जो लोग हैं हमने देखा कि ज़्यादातर उनका ये कहना था कि अभी भी परफॉर्मेंस करना चाहिए सुन हुकूमत को, अभी परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट मिल जाता है, लेकिन वोट मिलने की कदर की जाए और लोगों को जो है परफॉर्मेंस की जाए। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, अब तक के लिए हाफिज़।